एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद बुलंदशहर के ब्लॉक खुर्जा में स्थित सरियाल गांव पड़ा। वर्तमान में गांव के विकास के लिए ग्रामवासियों ने संजय रावत को प्रधान के रूप में चुना है। लगभग 1850 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 17 किलोमीटर ही है। लगभग 1250 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। वर्तमान समय में गांव में लगभग 362 राशन कार्ड धारक हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के प्राइमरी पाठशाला एवं जूनियर हाई स्कूल में लगभग 125 बच्चे अध्ययनरत हैं। गांव में पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 13 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिसमें से वर्तमान प्रधान द्वारा 2 नल रिबोर कराए गए हैं। इसी के साथ बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 50 विद्युत पोल, 2 ट्रांसफार्मर व सोलर लाइट भी लगी हुई हैं। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, पानी निकासी के लिए नाली, पानी की टंकी व प्राइमरी स्कूल की बाउंड्री का भी निर्माण कराया गया है। इसी के साथ ही वर्तमान प्रधान की देखरेख में गांव में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 229 इज्जत घर व एक लोहिया आवास का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में 7 प्रधानमंत्री आवास, पंचायत घर, आंगनबाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, शमशान घाट, तालाब, सीसी टाइल्स रोड व खडंजे के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। ग्राम प्रधान संजय रावत, गांव सरियाल, विकास खंड खुर्जा, तहसील खुर्जा, जिला बुलंदशहर। आज तक हमने विकास कार्य कराए हैं। प्राइमरी स्कूल में बाउंड्री, इंटरलॉक, फर्श, दरवाजे, शौचालय, टंकी, समासीवल, गांव में खंजे, इंटरलॉक, 229 शौचालय और एक लोहिया मकान। और हमारी जो मांगे हैं तालाबों की साफ सफाई, पैसे की जरूरत है, पंचायत घर, आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है जो कि हमें बनवाना है, स्वास्थ्य केंद्र भी, शमशान घाट और गांव के कुछ रास्ते अभी तक कच्चे पड़े हैं। और पैसे की अगर कुछ और मिलते हैं तो हम इन सब चीज़ों को करा, बहुत ज़रूरत है। कम से कम 4-5 हैंडपम्प अगर हमें मिल जाए। पेंशन जो है आज तक, पेंशन नई पेंशन तो आज तक नहीं बनी है, और जो पुरानी पेंशन थी वो भी सब रुक चुकी है, वो भी पिछले 6 महीने से पुरानी पेंशन भी नहीं आ पा रही। गाँव वालों से तो कोई समस्या नहीं है, बस पैसे की जरूरत है, पैसा होता हम विकास कराएं। सबसे बड़ी समस्या पैसे की आती है।